पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हिंसाग्रस्त संदेश खाली इलाके में महिलाओं का गुस्सा नहीं कम हो रहा है। अब एक महिला ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाई है। उसने कहा है कि हमें 1,000 रुपए लक्ष्मी भंडार योजना के तहत देकर मामले के निपटान की कोशिश हो रही है, हमें पैसे नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। उसने ये भी आरोप लगाया कि इलाके में महिलाओं ने कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खबरों की माने तो उस महिला ने कहा है कि हमने कई बार शिकायत की लेकिन हुआ कुछ नहीं, यहाँ के पुलिस बंगाल के लोगों के लिए नहीं है। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? क्या वो देख नहीं सकती कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? महिला ने इसी दौरान आगे कहा कि 1,000 रुपए देकर मोलभाव करने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा नहीं चाहते, हम केवल सम्मान और शांति चाहते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे। संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं ने दावा किया है कि शेख शाहजहां के साथ स्थानीय 2 TMC नेता शिबू हजार और उत्तम सरदार के साथ उनके लोग महिलाओं का सालों से यौन उत्पीड़न करते रहे हैं। आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली जाती है और पुलिस से मदद मांगने के बावजूद उन्हें तृणमूल नेताओं से ही समझौता करने की सलाह दी जाती है। पिछले 15 दिनों से पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल है। शिबू हजार और उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया गया लेकिन शाहजहां फरार है। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर पहले भी संदेश खाली इलाके में दंगे का आरोप लगा था। इसी शाहजहां शेख के ठिकाने पर जब ईडी की टीम पहुंची थी तब उसने ईडी टीम पर जानलेवा हमला किया था। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी उन्हें संरक्षण दे रही है या फिर 1,000 रुपए में महिलाओं को खरीदने की कोशिश हो रही है। जो महिला पहले से परेशान है, जिनकी जमीन भी चली गई है, इज्जत भी चली गई है, साथ ही साथ उनके साथ यौन शोषण लगातार हो रहा है, आखिर पश्चिम बंगाल में कब तक चलेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ममता बनर्जी इसे देख नहीं पा रही है या देख कर भी अनदेखा करने की कोशिश यहाँ पर ममता बनर्जी कर रही है?